हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इलेक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट अभी आप अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा आप ये काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम घर बैठे मोबाइल से ही वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, और यहाँ जो सर्च बार दिया गया है यहाँ पे लिखना है वोटर हेल्पलाइन। देखिए, सबसे पहले आपके सामने सजेशन आ जाएगा, तो सिंपली वोटर हेल्पलाइन पे क्लिक कीजिए। तो आपके सामने एक नया ऐप आ जाएगा, तो सिंपली इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली इसको ओपन करना है आपको। ओपन करते ही यहाँ पे होम पेज में आ जाएंगे आप। सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखिए आई एग्री पे क्लिक करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अभी आपको लैंग्वेज चूज़ करना होगा, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन है, तो लैंग्वेज चूज़ करके कंटिन्यू कीजिए। तो अभी हम होम पेज में आ जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम आपको करना होगा, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं पर्सनल वॉल्ट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी से यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्लिक करते ही लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और सिंपली सेंड ओटीपी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे आपको जो ओटीपी भेजा जाएगा उस ओटीपी को लिखना है, साथ ही आपका अकाउंट का पासवर्ड लिखना है अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है। अगर अकाउंट नहीं है तो नीचे आप देख सकते हैं कि न्यू यूज़र, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करवाना होगा अपना अकाउंट। तो ये कैसे आप कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप उस ऑप्शन से जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पासवर्ड लिखने के बाद सिंपली लॉगिन नाउ, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए आपके डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, आपका एपिक नंबर, आपका पोलिंग स्टेशन, आपका पार्ट नंबर, कौन सा असेंबली है, ये सब डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। आपका बीएलओ का नाम, नंबर, ये सब आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली अभी आपको यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और अभी देखिए यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पीडीएफ, इस ऑप्शन पे अभी आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते देखिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट, मतलब राज्य सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके राज्य का जो इलेक्शन वेबसाइट है वहाँ पे आपको डायरेक्टली लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही अभी आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अभी यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करना है। तो इसके ऊपर मैंने भी पहले ही एक वीडियो बनाया था, कल ही वीडियो बनाया था कि आप कैसे अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, कैसे पार्ट नंबर, सीरियल नंबर देख सकते हैं। तो ये वीडियो भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी देखिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको पार्ट नंबर वाइज आपका सिलेक्ट करना है, मतलब जैसा मेरा पार्ट नंबर था 166, तो मुझे उस पार्ट नंबर को सिलेक्ट करना है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर वाइज आपका बूथ नेम और वोटर लिस्ट है, तो यहाँ पे आपको अपना पार्ट नंबर सर्च करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रॉल करके जब भी आपको अपना पार्ट मिलेगा तो सिंपली उस पार्ट के एकदम राइट साइड पे आप देखेंगे फाइनल रोल, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को लिखना है। कैप्चा को लिखने के बाद सिंपली वेरीफाई ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपका पार्ट नंबर का जो वोटर लिस्ट है, मतलब आपके इलाके का जो वोटर लिस्ट है, वो डाउनलोड शुरू हो जाएगा।
डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप इस फाइल को देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, अभी यहाँ पे फाइल को ओपन कीजिए। तो देखिए जैसा कि मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है तो ये लोकल लैंग्वेज मतलब बंगाली में है पूरा वोटर लिस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वोटर लिस्ट में सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं स्कूल का, आपका जो पोलिंग स्टेशन है उसका फोटो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और आप नीचे की तरफ आके अपना नाम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप कैसे वोटर लिस्ट में अपना सीरियल नंबर देख सकते हैं, उस तरीके से अगर आप सीरियल नंबर देख लेते हैं तो आपको इस वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए मेरा जैसा सीरियल नंबर था 380, मतलब 380 था मेरा वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर। तो मैं सिंपली उस पेज में जाऊंगा, 380 में सर्च करूंगा। देखिए यहाँ पे तो यहाँ से आप अपना नाम देख सकते हैं। देखिए जैसा कि मेरा नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपना इलाके का वोटर लिस्ट अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे निकाल सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मुझे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि फ़ोटो क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन वोटर लिस्ट डाउनलोड करते हैं तो उसमें फ़ोटो नहीं दिखाई देता है। फ़ोटो के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाना होगा, वहाँ से अपना वोटर लिस्ट जेरोक्स करके लेना होगा। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, देखिए यहाँ पे फ़ोटो इज़ अवेलेबल, मतलब फ़ोटो है लेकिन इस ऑनलाइन वोटर लिस्ट में फ़ोटो यहाँ पे शो नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। बहुत लोग बताते हैं कि फ़ोटो विद फ़ोटो वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो सब फेक है। विद फ़ोटो ऑनलाइन वोटर लिस्ट डाउनलोड नहीं होता है, उसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके वोटर लिस्ट का कॉपी निकालना होता है। तो आइए वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।